अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आने कर दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आने कर दीना। आधा भाग निकाल करके जो है कौशल्या जी को दे दिया और जो बचा हुआ भाग था उसके दो भाग बना लिए। भावार्थ रामायण में लिखा है संत ने कि केकई को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए केकई ने उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया और फेंक दिया। और जैसे ही प्रसाद को फेंका और वैसे ही पक्षी ने उस प्रसाद को लिया, चोंच में दबाया और गौतम पर्वत पे अंजना देवी साधना कर रही थी, वहां ले जाकर के प्रसाद को दिया। बोले देवी ये प्रसाद ग्रहण करो। देवी ने कहा का? बोले महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसाद है देवी। जैसे ही प्रसाद को लिया, अंजना देवी ने प्रसाद को ग्रहण किया और इस पहाड़ से उस पहाड़ के ऊपर केसरी नाम का बंदर छलांग लगा रहा है। इधर प्रसाद लेना हुआ और उधर बंदर केसरी की छाया जो है अंजना के सिर पे पड़ी और अंजना देवी गर्भवती हो गई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र भी कितना प्रतापी था कि बाल्य अवस्था में ही सूर्य को, ये भावार्थ रामायण में लिखा है। भागवत पुराण में तो लिखा है कि मोहिनी का दिव्य रूप देख करके भगवान शिव मोहित हो गए थे, तो उनका दिव्य तेज स्खलित हो गया तो अंजना देवी के जो है ना नली के माध्यम से कान में उतार दिया और वहां अंजना देवी गर्भवती हुई। ये भागवत पुराण में लिखा केकई के पास प्रसाद नहीं था तो कौशल्या दयालु थी, उनने अपने जो है प्रसाद के भाग में से प्रसाद दिया, सुमित्रा जी ने भी दिया। अब केकई लज्जित हो गई कि मैंने अपना भाग फेंक दिया, इनके हिस्से का मैं खाऊंगी, और दोनों ने दे दिया। तो फिर दोनों ने मिला करके जो है ना एक भाग निकाला और सुमित्रा को दो भाग दे दिया। अब दो भाग सुमित्रा देवी के पास हैं, एक एक भाग दोनों देवी के पास हैं। परमात्मा की कृपा हुई, आभास हो रहा गर्भ में हैं, पर गर्भ में परमात्मा आए नहीं। ध्यान रखना कि आप प्रकट भए विधि न बनाए, ये तो स्वयं प्रकट हुए। चैत्र की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि है कि नव पुनर्वसु नक्षत्र के संयोग में परमात्मा राम का प्रादुर्भाव हुआ, पुष्य नक्षत्र में भरत जी का केकई जी के माध्यम से, और अश्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इसलिए अश्लेषा के मूल थे महाराज दशरथ के, यहां ध्यान रखना मूल में बालक होवे तो मूल शांति जरूर करवाना, क्योंकि मूल शांति यदि नहीं करवाओगे तो उस नक्षत्र में प्रदूषण है और प्रदूषित नक्षत्र के साथ यदि जीवन जिएगा तो निश्चित उसके जहर विकास में बाधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए यहां मूल शांति भी करवाई, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। इसके उपरांत नामकरण संस्कार हुआ। अब समय का अभाव है, ध्यान रखना, क्योंकि समय बहुत कम पड़ जाता है, कथा करते करते समय कम हो जाता है। अब यहां कौशल्या नंदन राम है और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं परमात्मा भगवान विष्णु, विष्णु की अंश कला से प्रकट होने के कारण इनका नाम भरत है। और जाके सुमिरन ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, स्मरण करते ही नाम का शत्रुओं का विनाश हो जावे, इसलिए भगवान शिव की अंश कला से प्रकट होने वाले शत्रुघ्न हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ कहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। सभी लक्षण जिसके अंदर समाहित हैं, ऐसे सुमित्रा नंदन का नाम लक्ष्मण हो गया, बड़े हो गए, यज्ञ भी संस्कार हो गया। वशिष्ठ विश्वामित्र जी के यज्ञ के संरक्षण के लिए चले गए, वो ध्यान रखना सबसे पहले ताड़का ही मिली।
जीवन में विकास के लिए जाओगे तो सबसे पहले द्वेष भाव सामने आएगा और ये वासना रूपी ताड़का को मारेंगे तभी जो है ना विश्वामित्र का संत का यज्ञ सफल होगा। ताड़का को मारने के उपरांत ही विश्वामित्र को विश्वास हुआ, इसलिए फिर उनको बला अतिबला नाम की विद्या दी, अस्त्र और शस्त्र प्रदान किया जो गुप्त थे अभी तक। यज्ञ का प्रारंभ शुभारंभ हुआ, मारीच और सुबाहु आ गए, सुबाहु को जान से मार दिया, मारीच को समुद्र के उस पार उतार दिया। लक्ष्मण जी ने कहा इनको भी, बोले नहीं इनको अभी नहीं निपटाना है, ये आगे काम आएंगे। हाँ ये माया का वृक बन के यही आएगा क्योंकि राम कथा को आगे ले चलना है। गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करके जो है पुष्प वाटिका में चले गए, पर पुष्प वाटिका में अब चर्चा को रहने दो, है ना, समय जो है कम है आज बहुत। भगवती सीता ने गौरी का पूजन किया, अब गौरी मन की बात को जानती है, इसलिए गौरी ने स्पष्ट कह दिया खसी माल मूरत मुस्कानी और प्रेम विवश जब भई भवानी, मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। अरे मिल जाएगा तेरे मन में जो रचा हुआ है, 10,000 राजाओं से धनुष हिला तक नहीं, और वहां सामान्यतया जो है ना लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ा काहू न लखा देख सब ठाड़ा, सामान्य रूप में तोड़ दिया। जनक नंदिनी जानकी ने जो है बरमाला डाल दी, परशुराम जी का आवेश भी आ गया, उनको भी शांत कर दिया, उनको भी विश्वास दिला दिया कि राम रमापति कर धन ले हूं खेचत चाप मिटहि संदेहू। परशुराम जी का भी विश्वास हो गया कि राम का अवतार हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, वो मंदिर पर्वत पे जाके साधना करने लग गए महेंद्र पर्वत पे, और ये जो है घर आ गए। परंतु लक्ष्मण और राम यहाँ अयोध्या में हैं, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में चले गए केकई देश। केकई देश यानी कश्मीर, ध्यान रखना। भारत में दो प्रदेश ऐसे हैं बहुत पहले से जो राम और कृष्ण के विरोधी है, एक तो कश्मीर केकई देश और दूसरा मगध, मगध यानी बिहार, ध्यान रखना। वहां का राजा कौन था? जरासंध। जरासंध भी कृष्ण का विरोधी था, और केकई देश आज भी देख लो अशांति यदि मिल रही है तो वहीं से मिल रही है, 370 हट गई तो बड़ी अशांति हो रही लोगों को। समान अधिकार की व्यवस्था यदि मिल जावे व्यक्ति को तो कौन से दोष है, एक झंडा एक साधन एक मर्यादा एक कानून होना चाहिए जब देश एक है तो। परंतु नहीं, विद्रोही पहले भी थे आज भी है, उस समय भी कृष्ण का विरोध किया राम का विरोध किया, राम को वनवास यदि दिलवाया तो ये कश्मीर की जो है ना हाँ राजकुमारी ने ही दिलवाया। कृष्ण के ऊपर 17 आक्रमण यदि करवाया तो मगध सम्राट जरासंध ने करवाया, और उसी ने उस मिलेच्छ को काल साथ में लेकर के आया। परिणाम क्या निकला? दोनों पहले से ही विरोधी थे और आज भी भगवान की कृपा है वहां, क्योंकि संस्कार जन्म के जो होते हैं सामान्यतया नीच होते हैं, कहीं ना कहीं भाव आ ही जाते हैं। राम का राज्याभिषेक होना है परंतु केकई ने मंथरा के साथ लेकर के व्यवस्था बना दी और राम को वनवास भिजवा दिया। लक्ष्मण और सीता भी साथ चले गए, भरत जी आए, परंतु जब तक महाराज दशरथ ही नहीं बचे, अब क्या बचा? भरत ने कहा मैं राज्य नहीं करूंगा, चित्रकूट पे जाके राम जी को मनाया। राम जी ने कहा भैया चरण पादुका ले जा और शांति से शासन कर, 14 साल बाद मैं आ जाऊंगा फिर अपनी व्यवस्था बना। पंचवटी में गए, सारा प्रसंग आप लोगों को अनुभव में है ही। सूर्पणखा ने फिर जो है कथा को आगे बढ़ा दी, नाक और कान स्वयं की कटवा ली, परंतु वहां जाके सूचना दे दी, खरदूषण तृष्णा का संहार हो गया, और परिणाम में रावण को सूचना मिली तो मारीच को माया मृग बना करके ले आया और सीता जी का हरण करना चाहता। परंतु गोस्वामी जी का जो लेख है वो अलग है, वाल्मीकि अलग है,
वाल्मीकि जी ने कुछ छुपाया नहीं। वो स्वामी जी ने लिखा है कि सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, तुम पावक मोह करहूं निवासा, जो लगी हुई निशाचर नासा। परमात्मा राम आए, जटायु का उद्धार किया, शबरी को दिव्य ज्ञान दिया, सुग्रीव से मित्रता की, प्रवर्षण पर्वत पे निवास किया, बानरी सेना को लेकर के जो है समुद्र के ऊपर पुल बना करके परमात्मा राम लंका पहुंच गए, अंगद को शांति दूत बना दिया, परंतु उनकी बात को जो है स्वीकार नहीं की रावण ने, परिणाम का भीषण युद्ध हुआ, रावण का पूरा वंश जो है उसमें क्षार हो गया, विभीषण भगवान की राम की शरण में आ गया, इसलिए उसका राज्याभिषेक हो गया। आज शांति से जो है सीता जी को फिर अग्नि से प्रकट करके परमात्मा राम पुष्पक विमान पर बैठ के कहाँ आ रहे हैं, अयोध्या राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयं गए सब शोका, चारों तरफ शांति की स्थापना। परंतु दो को अशांति है, ध्यान रखना, किन किन को, जिसने गलत किया है उसको बाद में अशांति होगी, जिसने सही किया है उसको बाद में शांति मिलेगी, ये नियम है, परिणाम भी देख लेना। केकई मंत्रा दोनों को अशांति है, भाई भाई इकट्ठे हो गए, हम बदनाम हो गए, होना वही था जो होना था। भगवान ने विचार किया केकई लज्जित है, इसलिए प्रभु देखी केकई लजानी प्रथम उतासु ग्रह गए भवानी। शंकर जी कह रहे पार्वती केकई जब लज्जित थी तो परमात्मा राम सबसे पहले उनके भवन में गए, केकई ने कहा मुझे वरदान दो, राम जी ने कहा और बाकी रहेगा क्या, कुछ और कुछ रहेगा क्या, केकई ने कहा नहीं नहीं मैं लज्जित हूं, बोले नहीं तुम्हारी कृपा से मैं राम बना, तुम यदि वनवास नहीं भेजते समुद्र के ऊपर पुल कौन बनाता, रावण को कौन मारता, बाली को कौन मारता, ये जितना भी प्रताप और प्रभाव है मां तुम्हारे चरणों की कृपा से है, माने के अगले अवतार में मेरा पुत्र बन के आ। भगवान ने कहा पुत्र तो बन जाऊंगा परंतु दूध तो अपनी ओरिजिनल मां का ही पीऊंगा, ध्यान रखना, दूध अपनी मां का ही पीऊंगा, पुत्र तुम्हारा बन जाऊंगा, अब तुम्हारी इच्छा है तो। शास्त्र में कहा कि वो ही केकई चल करके प्रश्नी और सुतपा के रूप में परिवर्तित हुई,